हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेबिट गुरु। मैं हूँ आयना गुप्ता और आज के इस लेक्चर में मैं आपको समझाने जा रही हूँ टाइम एंड वर्क। देखिए फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क को मैंने दो वीडियोस में कवर किया है। अगर आपको अच्छे से टॉपिक समझना है तो आप प्लीज़ दोनों की दोनों वीडियोस देखिएगा और मेरे इस वीडियो लेक्चर का पूरा फायदा उठाइएगा। चलिए हम कॉन्सेप्ट से, बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क, मैं यहाँ पे बेसिक्स लिख देती हूँ। देखिए, सपोज ए और बी दो फ्रेंड्स हैं और ए एक दिन में 3 टॉयज बनाता है और बी एक दिन में 2 टॉयज बनाता है। तो ये इनका काम है 1 डे का। अगर 5 दिन हो जाए, 5 दिन के बाद क्या होगा? आफ्टर 5 डेज ए बना लेगा 3 × 5 = 15 टॉयज और बी बना लेगा 2 × 5 = 10 टॉयज। देखिए फ्रेंड्स, ए ने जाहिर सी बात है ज़्यादा टॉयज बनाया। क्यों? क्योंकि ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है। जी हाँ, ये जो आप यहाँ पे 3 और 2 देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी होती है काम करने की क्षमता, कैपेसिटी। इसके लिए दूसरा वर्ड है कैपेसिटी। अब हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो उस बंदे को काम करने में टाइम कम लग रहा है, और अगर एफिशिएंसी कम है तो काम करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एफिशिएंसी और टाइम दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर किसी इंसान की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो वो कम समय में वो काम कर लेगा, और अगर किसी काम इंसान की एफिशिएंसी कम है तो वो ज़्यादा समय में वो काम कर लेगा। चलिए आगे बढ़ते थे। आई होप आप लोगों को याद होगा कि हमने एक मेथड पढ़ा था, यूनिटरी मेथड। जी हाँ फ्रेंड्स, यूनिटरी मेथड। आज मैं थोड़ा सा वो रिवाइज कराते हैं और देखेंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस यूनिटरी मेथड से कैसे सॉल्व किए जाते हैं। चलिए देखते हैं। सपोज ए डज 15 days। ए 15 दिनों में एक काम कर लेता है। दैट मीन्स, सो सॉरी, इन 15 डेज ए डज 1 वर्क। 15 दिनों में ए एक काम करता है। अगर एक दिन में निकालना हो तो इसको डिवाइड कर देंगे। ये यूनिटी मेथड में पढ़ा था। अगर 15 दिन की चीज़ हमें पता है कि इतनी हो रही है तो एक दिन में कितनी होगी, उन दोनों को डिवाइड कर दो। और अगर 10 दिन में निकालना हो तो क्या होगा? टेन डेज में 10/15 वर्क। ये हमारा सिंपल सा यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर 15 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। सिंपल सा है फ्रेंड्स, डिवाइड कर दो 1/15। अगर एक दिन में 1/15 वर्क करता है तो 10 दिन में कितना करेगा? 1/15 × 10, यानी कि 10/15। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है टाइम एंड वर्क भी आपस में उल्टे हैं। अगर मेरे को टाइम दिया है और मुझे वर्क निकालना है तो मैं सीधा उसको 1/1 कर सकती हूँ, तो मेरा वर्क निकल के आ जाएगा। और अगर मेरे पास वर्क गिवन है और मुझे टाइम निकालना है तो मैं फिर से उल्टा कर दूँ, 1/1 कर दूँ, रेसिप्रोकल लूँ, तो मेरे पास टाइम निकल के आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि ये मेथड हमने एक बार समझ लिया है, हम ये मेथड क्वेश्चंस में भी लगाएंगे, लेकिन बार बार लिखेंगे नहीं। बस हमें अपने माइंड में रखना है। क्या रखना है? कि टाइम गिवन है, वर्क निकालना है तो 1/टाइम कर दो, और अगर वर्क गिवन है, टाइम निकालना है, तो 1/वर्क कर दो। समझ में आया फ्रेंड्स? चलिए अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एक बहुत ही बेसिक सा जनरल सा फॉर्मूला है टाइम एंड वर्क का। वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, जनरल फॉर्मूला कह सकते हैं थोड़ा हम इसको, या बेसिक फॉर्मूला भी कह लीजिए। बेसिक फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। अगर हमारे पास M1 आदमी है, T1 हमारे पास नंबर ऑफ डेज है, D1 हमारे पास नंबर ऑफ डेज हैं। सपोज उन डे में हम लोग उस फॉर्मूला को थोड़ा सा जनरल बनाते हैं, टाइम भी गिवन है, यानी कि एक दिन में 2 घंटे काम करते हैं वो आदमी T1 / W1
इज इक्वल टू एम टू डी टू टी टू अपॉन डब्ल्यू टू. मीन्स एम यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, एम और डी, एम और एम और एम टू है नंबर ऑफ मैन, इवन टी टू को सपोज टाइम या फिर नंबर ऑफ आवर्स, डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू है हमारा वर्क. फ्रेंड ये वाला फॉर्मूला जो है हमें कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस में अक्सर काम में आता है, यानी कि अगर 10 आदमी ने 6 दिन में इतना काम किया तो 2 आदमी 8 दिन में कितना काम करेंगे. इस तरीके के क्वेश्चन में हमें ये वाला फॉर्मूला काम में आता है. मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगी मैं इस फॉर्मूले के से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी, और कितनी आसानी से इस फॉर्मूले को लगा के क्वेश्चन किए जाते हैं ये आप लोगों को देख के बहुत मजा आने वाला है. आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा. इस फॉर्मूला में एक छोटा सा चेंज और भी आ सकता है फ्रेंड्स. अगर हमें एफिशिएंसी गिवन है, अगर हमें बताया गया है साथ में कि ये आदमी इतने एफिशिएंट है, तो इसमें एफिशिएंसी भी ऐड हो जाती है. देखिए एम वन डी वन टी वन ई वन अपॉन डब्ल्यू वन इज इक्वल टू एम टू डी टू टी टू ई टू अपॉन डब्ल्यू टू. देखिए फ्रेंड्स एफिशिएंसी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी सिंपल, और हमारा ये फॉर्मूला थोड़ा और जनरल हो जाएगा. आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आया होगा. आई होप आप लोगों को अभी तक के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे टाइम एंड वर्क के. कुछ भी समझ में नहीं आए बिल्कुल घबराने की बात नहीं, आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं. जी हाँ, आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, कॉन्सेप्ट को दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो भी घबराने की कोई बात नहीं है दोस्त. आप मेरे को पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और मैं पर्सनली आपके हर कमेंट का रिप्लाई करके आपका सारे के सारे क्वेरीज को सॉल्व करूंगी. चलिए आई होप आपको को अभी कॉन्सेप्ट बेसिक समझ में आया होगा. थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. जैसा कि मैंने आपको फ्रेंड्स बताया है कि टाइम एंड वर्क को मैंने दो वीडियोस में कवर किया है, ये वीडियो नंबर 1 है, तो इसलिए मैंने इस शीट के ऊपर, क्वेश्चन शीट के ऊपर भी टाइम एंड वर्क 1 लिखा है. आप देख सकते हैं, ये देखिए ये 1 है. आपको पूरा कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो आपको इसके दोनों के दोनों वीडियोस देखने पड़ेंगे. आप दोनों के दोनों वीडियोस देखिए और आपको बहुत मज़ा आएगा, और आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे. चलिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए. आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा होगा, और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स. आप हमारी ऐप डेबिट गुरु ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस ऐप पे सारे के सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल है. आप वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चन को वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा. चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज वाइल बी कैन डू इट इन 20 डेज. इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम वर्क विल बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीटेड. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स. क्वेश्चन में पूछा गया है ए 30 दिन में काम करता है, बी 20 दिन में काम करता है. अगर दोनों दोनों के दोनों दोस्त साथ में मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा. जाहिर सी बात है 30 और 20 से तो कम ही होगा आंसर. सारे के सारे ऑप्शन भी जो है वो 20 से कम ही है, बिकॉज दोनों मिलकर काम कर रहे हैं. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे. पहले आपको कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन जो है शॉर्टकट लगा के सॉल्व करना सिखाऊंगी. लेकिन शॉर्टकट लगाने से पहले दोस्त थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी हो जाता है. पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. ए 30 डेज में काम करता है और बी 20 डेज में काम करता है. दैट मीन्स इन 30 डेज ए डज वन वर्क, तो इन वन डे ए डज 1/30 वर्क. सिंपल से यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, वही लगा रही हो. एक दिन में ए 1/30 करता है और बी कितने दिन कितना करेगा, यहाँ पर हम सिमिलरली लिख लेते हैं. बी के लिए हम दोबारा यूनिटरी मेथड नहीं लगाएंगे. सिमिलरली इन वन डे बी डज 1/20 वर्क. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं. साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे. जी हाँ प्लस कर देंगे, तो देखते हैं क्या आएगा. इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा, इन वन डे
इन वन डे ए प्लस बी डज वन ओवर 30 प्लस वन ओवर 20 वर्क. जी हाँ, चलिए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं. इसका एलसीएम ले लेते हैं. इसका एलसीएम आएगा 60, यहाँ पे आएगा 2, 3. यहाँ पे आएगा 5/60 विच इज इक्वल टू 1/12. जी हाँ फ्रेंड्स, इन वन डे ए प्लस बी डज 1/12 वर्क. एक दिन में 1/12 वर्क करते हैं, तो यानी कि कितने दिनों में काम करेंगे. मैंने आपको पहले बताया था क्या करना है, उल्टा कर देना है. तो यानी कि आंसर है 12 डेज में. इसको उल्टा कर दीजिए, सिंपल. ए प्लस बी 12 दिनों में पूरा का पूरा काम कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर वन, ऑप्शन नंबर ए 12. चलिए ये था हमारा कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर शॉर्टकट लगाना है. जी हाँ फ्रेंड्स, इतने लंबे तरीके से तो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमारा बहुत समय चले जाएगा और हमारे पास इतना समय तक होता नहीं है. चलिए हम थोड़ा सा शॉर्टकट सीख लेते हैं. शॉर्टकट के, बट फ्रेंड्स शॉर्टकट लगाने से पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है, इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पहले सिखाया था. शॉर्टकट लगाने के लिए देखिए क्या करेंगे. ए यहाँ लिखेंगे, बी यहाँ लिखेंगे, एरो. ए डज वर्क इन 30 डेज, 30 लिख लेंगे. बी डज वर्क इन 20 डेज, 20 नीचे लिख लेंगे. उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनका लेंगे एलसीएम. जी हाँ फ्रेंड्स, 30 और 20 का एलसीएम आएगा 60 एलसीएम, और ये एलसीएम हमारा टोटल वर्क हो जाएगा. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल वर्क आप देख सकते हैं, टोटल वर्क 1 था. इस मेथड में टोटल वर्क 1 था, लेकिन शॉर्टकट में टोटल वर्क हमेशा एलसीएम हो जाता है. एलसीएम उब्लिक टोटल वर्क. अब 60 को अगर हम 30 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, और 60 को 20 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा. फ्रेंड्स ये 2 और 3 कुछ भी नहीं है, ये हमें ये बताता है इन वन डे एलसीएम लेने के बाद जो यहाँ पे हमने इनको डिवाइड करके लिखा है दोस्त, ये यहाँ पे ये बताता है कि वन डे ए डज टू वर्क. इफ द टोटल वर्क इज 60 देन इन वन डे ए डज टू वर्क, वेयर एज इन वन डे बी डज 3 वर्क. आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने आरो जिस तरीके से बनाए हैं इसको माइंड में बिठा लीजिए. अगर एलसीएम हमारा टोटल वर्क है, एक दिन में कितना काम करेगा, ये कैसे निकल के आएगा, 60 को 30 से सिंपल डिवाइड कर दो, और बी कैसे निकल के आएगा, 60 को 20 से डिवाइड कर दो. अब क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी दोनों मिलके कितना काम करेंगे. मिलके काम करने के लिए इन दोनों को ऐड कर दो, यानी इन वन डे ए प्लस बी डज 5 वर्क. तो टोटल वर्क क्या है, 60 को 5 से डिवाइड कर दो, 12 निकल के आ जाएगा. देखा फ्रेंड्स कितना सिंपल था शॉर्टकट लगाना. एक बार शॉर्ट, अब मैंने आपको शॉर्टकट भी डिटेल में समझा दिया, अगले क्वेश्चन में मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगी. एक बार समझ में आ गया, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ फ्रेंड्स, एक बार समझ में आ गया तो आपको शॉर्टकट में इतना समय नहीं लगेगा. मैंने तो इतने सारे एरोस बना के आपको समझाया है, आपको लेकिन इतनी देर नहीं लगेगी, आप बहुत जल्दी इसको समझ लेंगे और कर पाएंगे. बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ मैं आपको से रिक्वेस्ट करूँगी, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को, बेशक ये बहुत सिंपल है, दोबारा देख लीजिए वीडियो को, थोड़ा सा बैक कर लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए और फिर से देख लीजिए. चलिए आंसर इज 12, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 2, ए प्लस बी टुगेदर डज अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज व्हाइल ए अलोन कैन डू इट इन 10 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन बी डू द वर्क. अब फ्रेंड्स क्वेश्चन को थोड़ा सा उन्होंने घुमा दिया है. क्वेश्चन में दिया हुआ है ए प्लस बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज. ए प्लस बी कैन डू वर्क इन 6 डेज. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए अलोन कैन डू इट इन 10 डेज. आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, ए अलोन कैन डू इट इन 10 डेज. फिर से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इनका आएगा 30. यानी कि ए प्लस बी एक दिन में मिलके 5 काम कर रहे हैं, ए एक दिन में मिलके 3 काम कर रहा है.
ए प्लस बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, ए एक दिन में 3 कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ना फ्रेंड्स, बी एक दिन में 2 काम करेगा और टोटल नंबर ऑफ डेज जो बी को लगेंगे वो लगेंगे 30/2, 15 डेज। देखा फ्रेंड्स कितना सिंपल था, शॉर्टकट समझ में आया नहीं कि हमारा क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होने स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी 15। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियरली विजिबल होगा। अगर विजिबल नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं, आप हमारी ऐप डेबिट गुरु आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप वहां से हमारा क्वेश्चंस का पीडीएफ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, दे बोथ वर्क फॉर 5 डेज एंड देन बी लीव्स। ओ, ए और बी दोनों साथ साथ भाई हैं, काम कर रहे हैं, 25-25 दिन लगाते हैं काम करने में, लेकिन 5 दिन काम करने के बाद बी को किसी कारणवश उसको छोड़ के जाना पड़ता है। देन इन हाउ मैनी डेज ए टेक्स टू कम्प्लीट द रिमेनिंग वर्क, दैट मीन्स अब हमें बताना है बी के चले जाने के बाद ए ने बचा हुआ काम कितने दिनों में किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 फिर से शॉर्टकट लगाएंगे। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, 25 लिख लिया। बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, 25 लिख लिया। एलसीएम लेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्त, 25 का एलसीएम में 25 भी आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि ए एक दिन में 1 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। क्वेश्चन कहता है 5 दिन तक वो लोग साथ में काम करते हैं, कितने दिन तक, 5 दिन तक। इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क है 2। ए प्लस बी अगर साथ में काम करते हैं तो 2 काम होता है, और इन लोगों ने 5 दिन तक साथ में काम किया। फॉर 5 डेज दे वर्क टूगेदर, तो 5 डेज में वर्क कितना हो गया, 5 डेज में उन लोगों ने 10 वर्क कर लिया, 10 वर्क कर लिया, यानी कि अब रिमेनिंग वर्क कितना है, टोटल वर्क था 25, टोटल वर्क था 25, और इन दोनों ने साथ में मिलकर 10 वर्क कर लिया है, तो 25 माइनस 10, 15 रिमेनिंग वर्क रह गया। अब पूछा है कि बी के चले जाने के बाद ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा। अब अगर ए एक दिन में 1 काम करता है तो बहुत सीधी सी बात है, 15 काम कितने दिनों में करेगा, 15 को 1 से डिवाइड कर दो, 15 डेज आंसर। अरे ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सेम है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी 15 डेज, ए बचा हुआ काम 15 दिनों में कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए एंड बी कैन मेक टॉयज इन 15 एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली, दे बिगन टू वर्क टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम ए लीव्स, बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज, आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव। फाइन गाइज, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का जस्ट उल्टा है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए 15 दिनों में काम करता है, बी 10 दिनों में काम करता है। अब ये दोनों साथ में काम करने लगते हैं, पर ए कुछ समय के बाद छोड़ के चले जाता है, और बी जो बचा हुआ काम है वो 5 दिन में कंप्लीट करता है, 5 दिन में उसने काम कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन पूछता है कि अब कितने दिनों के बाद ए उसको छोड़ के गया, यानी कि अब हमें ये बताना है कि ए ने कितने दिनों में बी को छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 4, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, आई होप फ्रेंड्स मैं यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है, मैं पीडीएफ से देख रही हूँ, आप प्लीज क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, इनका एलसीएम ले लेते हैं, टोटल वर्क हमारा 30 निकल के आ गया है। ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। दे बिगन टू वर्क टुगेदर एंड आफ्टर सम टाइम ए लीव्स, बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज, बी रिमेनिंग वर्क 5 दिनों में करता है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, टोटल वर्क इनका हो गया 5, यानी ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा गया है ए के चले जाने के बाद बी 5 दिन में पूरा का पूरा काम कर देता है, यानी कि बीज 5 डेज वर्क, ये 5 है फ्रेंड्स, 5 डेज बी इज 5 डेज वर्क इज, आई एम सो सॉरी, बी 5 दिनों में 15 काम कर देता है, यानी रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क इज 30 माइनस 15, 15, यानी कि ए और बी जब साथ, जब ए बी के साथ था तब इन दोनों ने 15 काम किया होगा। जब ये दोनों साथ में थे तो हम देख सकते हैं ये लोग 5 काम कर रहे थे,
जब मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जब ये दोनों साथ में थे तो ये एक दिन में 5 काम कर रहे थे और रिमेनिंग वर्क है 15, तो ए प्लस बी ने साथ में मिलके 5 काम किया तो कितने दिनों में काम किया, 3 डेज में, यानी 3 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया। इसका मतलब ए 3 दिन के बाद छोड़ के चला गया और बी ने 5 दिनों में बचे हुए काम को कंप्लीट किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इसका आंसर कैसे आया है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर, आई एम सो सॉरी, ऑप्शन नंबर ए 3। क्वेश्चन नंबर 5, ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 आवर्स, बी प्लस सी बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स, ए एंड सी कैन डू इट इन 18 आवर्स। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, हम देख सकते हैं हमें यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी एक दिन में 9 घंटे काम करे तो काम कर सकते हैं, बी और सी मिलके करे तो 12 घंटों में, ए और सी मिलके करे तो 18 घंटों में। क्वेश्चन कहता है इन हाउ मेनी आवर्स विल ए बी एंड सी फिनिश इट। एक अब क्वेश्चन कहता है अगर तीनों मिलके करे तो कितने दिनों में, कितने घंटों में काम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 आवर्स, बी प्लस सी कैन डू इट इन 12, ए प्लस सी कैन डू इट इन 18 आवर्स। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, फिर से हमारा वही तरीका यूज़ करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है, ए प्लस बी 9 घंटे में करते हैं, बी प्लस सी 12 में, ए प्लस सी 18 घंटों में। इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 36। तो यानी इतना काम कर रहा है, 1 घंटे में ए कर रहा है, 36 को आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, 4 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 3, यानी कि ए प्लस बी 4 घंटों, 1 घंटे में 4 वर्क कर रहे हैं, बी प्लस सी 3, ए प्लस सी 2। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पे क्या आएगा, 5 और 4 9। फ्रेंड्स अब ये देखिए ये जो 9 आया है इस 9 में ए प्लस बी ए प्लस सी बी प्लस सी तीनों हैं, यानी कि ए 2 बार है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए ये 2 बार है, सिमिलरली बी भी 2 बार है और सिमिलरली सी भी 2 बार है, सारे के सारे टर्म्स हमारे पास 2 2 बार हैं, यानी कि इसको मैं इन शॉर्ट ऐसे लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इज 9, दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी प्लस सी इज 9/2। अब 36 आवर्स में काम कंप्लीट हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी 1 घंटे में 9/2 वर्क कर रहे हैं, तो यानी 36 को आप सीधा सीधा 9/2 से डिवाइड कर दीजिए, आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, आठ घंटों में ये लोग अपना तीनों मिलके काम खत्म कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें, सपोज क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने घंटों में काम कर रहे हैं, ये तो ठीक है, ये पूछा गया कि ए अकेला कितने घंटों में काम कर रहा है, वो कैसे निकालेंगे, चलिए उसको भी थोड़ा सा निकालने का तरीका देख लेते हैं, ए कितने इसमें काम करेगा। देखिए अभी मेरे को पता है ए प्लस बी प्लस सी इज 9/2, अब मुझे ए का निकालना है तो मुझे ये बी प्लस सी की वैल्यू पता है, बी प्लस सी की वैल्यू है 3, राइट, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर देती हूँ, बी प्लस सी की वैल्यू है 3, ये देख लीजिए, तो यानी कि ये 3 वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, ए प्लस 3 इज इक्वल टू 9/2, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 9/2 माइनस 3, 3 टू 6, यानी कि ए डज 3/2 वर्क इन 1 आवर। अब मुझे क्या करना है, पूरा का पूरा वो कितने टाइम में हो रहा है वो निकालना है, तो यानी कि मैं 36 को 3/2 से डिवाइड कर दूंगी, ए जो है वो 24 घंटों में काम खत्म कर लेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सिमिलरली मैं बी का वर्क निकाल सकती हूँ और इसी तरह से मैं सी का वर्क भी निकाल सकती हूँ, चलिए देख लेते हैं एक बार। अब मुझे बी का वर्क निकालना है, बी का वर्क निकालना है तो मैं ए प्लस सी की ये वाली वैल्यू पुट कर सकती हूँ, आप देख सकते हैं ए प्लस सी को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ,
ए प्लस सी को मैंने टू से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे आ गया 2 to the 4, 5 by 2, तो पूरा का पूरा वर्क है 36। इसको मैं सीधा सीधा इससे 36/5/2, 72/5 आवर्स, बी 72/5 आवर्स में काम कंप्लीट कर लेगा। मतलब यहाँ पे आएगा 1 24 2 by 14 2 by 5 आवर्स में भी काम कंप्लीट कर लेगा। अब हमें इसी तरीके से बताना है सी कितने दिनों में काम करेगा। ए प्लस बी प्लस सी अगेन 9/2 है। अब हमें यहाँ पे बी प्लस सी की सी का वर्क निकालना है, तो मतलब हमें यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करनी होगी। ए प्लस बी एक दिन एक एक घंटे में 4 काम कर रहे हैं, तो मतलब यानी कि सी जो है वो 1 घंटे में 1/2 वर्क कर रहा है। तो यानी कि 36 वर्क कितने दिन कितने घंटों में करेगा, 36/1/2 विच इज 72 आवर्स। सी जो है 72 आवर्स में पूरा का पूरा वर्क कंप्लीट कर लेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर ए प्लस बी बी प्लस सी सी या फिर ए प्लस सी टाइप के अगर हमें क्वेश्चंस गिवन है, तो उससे ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में काम करेंगे वो कैसे निकालेंगे, और ए कितने दिनों में काम करेगा, बी कितने दिनों में काम करेगा, सी कितने दिनों में काम करेगा, ये कैसे निकालेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ क्वेश्चन को रिवाइंड कर लीजिए, वीडियो को दोबारा देख लीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6। ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, दे बोथ स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 2 डेज, सी हु कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज ज्वाइन, इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन विजिबल होगा। ए 15 दिनों में काम करता है, बी 10 दिनों में काम करता है। अब इन लोगों ने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद इनका एक और फ्रेंड आ गया सी, जो कि 12 दिनों में काम खत्म करता है, उसने ज्वाइन कर लिया। देन इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिनों में बचा हुआ काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मैं फिर मेरे पास यहाँ पे हार्ड कॉपी अवेलेबल है, मैं हार्ड कॉपी से देख लेती हूँ। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज, बी कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज, एंड सी कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज। अभी फ्रेंड्स हमें पता है बे ए 15 दिनों में काम करता है, बी 10 में और सी 12 में। चलो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 60, यानी कि ए 1 दिन में 4 काम करता है, बी 1 दिन में 6 काम करता है, और सी 1 दिन में 5 काम करता है। अभी फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ रहा है 2 दिन तक ए और बी ने साथ में काम किया। ए प्लस बी 4 + 6, यानी कि 1 दिन में 10 काम करते हैं। अभी 2 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया, तो 2 दिनों में इन्होंने कितना काम कंप्लीट कर लिया होगा, 2 × 10 = 20 वर्क। रिमेनिंग वर्क क्या है, रिमेनिंग वर्क इज 60 - 20, 40 वर्क इज रिमेनिंग। जब 40 वर्क बच गया है, तो इनको सी ने ज्वाइन कर लिया। अब सी के ज्वाइन करने के बाद ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 15। तो वर्क कितना है 40, और ए प्लस बी प्लस सी 15 वर्क करते हैं 1 दिन में, तो यानी कि कितने दिनों में काम खत्म कर जाएगा, 15/40, दिस इज 8, दिस इज 3, दिस इज 2, 6, 2 2/3 डेज। सी के ज्वाइन करने के बाद इनको 2 2/3 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर सी। ये लोग दो दिन और तीसरे दिन के 2/3 हिस्से में काम खत्म कर लेंगे। अब फ्रेंड्स इसमें एक और चीज़ भी आती है। सपोज क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में लिखा था, देखिए मैं रेड पेन से आपको करके बताती हूँ। यहाँ पे इन्होंने लिखा था इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड।
रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा, रिमेनिंग वर्क तो हमने निकाल लिया 2 2 बाय 3 डेज में कंप्लीट होगा, लेकिन अगर टोटल वर्क आ जाए इसकी जगह उन्होंने हमसे पूछ लिया टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो याद रखिए कि ए और बी ने 2 दिन और साथ में काम किया है, तो यानी 2 2 बाय 3 प्लस 2 आंसर होगा, यानी 3 to the 6 8 by 3 plus 2 to the 6 14 by 3 which is equal to 14 by 3 is equal to 4 4 2 by 3. अगर इन्होंने पूछ लिया टोटल वर्क कितने दिनों में होगा, तो टोटल वर्क होगा 14 2 by 3 डेज में, 2 2 by 3 में 2 और ऐड करेंगे, तो उस केस में आंसर हमारा हो जाएगा 4 2 by 3. आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर रिमेनिंग की जगह टोटल पूछ लिया, इस रिमेनिंग की जगह अगर ये टोटल पूछ लिया, तो हमारा जो आंसर है वो है 4 2 by 3 days. ऑलराइट फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज एंड सी कैन डू अ वर्क इन 15 डेज. ए बी और सी 10, 12 और 15 दिनों में काम खत्म कर लेते हैं. ऑल ऑफ देम बिगन द वर्क टुगेदर, ये तीनों साथ में काम करना शुरू करते हैं. बट ए लीव्स द वर्क आफ्टर 2 डेज ऑफ द स्टार्ट, बट 2 दिनों के बाद ए जो है वो काम छोड़ के चला जाता है. एंड बी 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क. अरे बी भी छोड़ के चला गया, बी कब गया, वर्क के कंप्लीट होने के 3 दिन पहले बी चला गया. अब हमें बताना है हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, हमें बताना है कितने दिनों तक वर्क हुआ. चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 विच इज द लास्ट क्वेश्चन. ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, we can do a work in 12 days and c can do a work in 15 days. 10 12 or 15 ka fir se hum lcm le lete hain. lcm aayega friends 60, yani ki a ek din mein 6 kaam kar raha hai, b ek din mein 5 kaam kar raha hai aur c ek din mein 4 kaam kar raha hai. inka total le lete hain, 6 aur 4 10 aur 5 15, yani ki a plus b plus c ek din mein 15 kaam kar rahe hain. yahan pe likh lete hain. क्वेश्चन कहता है कि ए लीव्स द वर्क आफ्टर 2 डेज, यानी कि 2 दिन तक इन लोगों ने साथ में काम किया. दो दिनों में वर्क कितना हो गया, 15 into 2 30 वर्क, इन लोगों ने 30 वर्क कर लिया. अब क्वेश्चन कहता है लास्ट के 3 दिन में सी ने अकेले काम किया. I'm so sorry friends. In last 3 days, C's work is, C का एक दिन का काम है 4, तो यानी कि 4 into 3 is 12, यानी कि ये टोटल हो गया 2 और 4, यानी कि 42 वर्क हो गया है. और रिमेनिंग वर्क क्या है, रिमेनिंग वर्क टोटल वर्क देख सकते हैं 60 है. 60 माइनस 42, 10 में से 2 गया 8 18, यानी कि रिमेनिंग वर्क जो है वो 1 2 3 स्टार्ट, रिमेनिंग वर्क हमारा 18 निकल के आ गया है. यानी कि अभी हमें बी प्लस सी का निकालना पड़ेगा, बी और सी ने कितने दिनों तक साथ में काम किया. बी और सी एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, रिमेनिंग वर्क 9 है, यानी कि बी और सी ने बी प्लस सी 9, रिमेनिंग वर्क 18 है, तो बी और सी ने साथ में मिलकर 18 by 9 2 दिन तक साथ में काम किया है. अब हमें फाइनल आंसर निकालना है. ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों ने साथ में 2 दिन तक काम किया, बी और सी ने साथ में 2 दिन तक काम किया, फिर सी ने साथ में सिर्फ फिर सी ने अकेले 3 दिन तक काम किया, यानी 2 plus 2 4 4 plus 3 7 days इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 आंसर नंबर बी. आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे. और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो घबराइए नहीं, आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं. फिर भी समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डालिए, फिर मैं आपके पर्सनली आपके सारे के सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगी. ये इस वीडियो में हमने एक तरीके के क्वेश्चन की कि अगर ए प्लस बी
इतने दिनों में काम करते हैं या ए इतने दिनों में काम करता है या सी इतने दिनों में काम करता है, इसमें हमने हमारा जनरल फॉर्मूला एक भी बार यूज़ नहीं किया है और ना ही हमने एफिशिएंसी की बात की है। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इन्हीं दोनों टॉपिक्स पे क्वेश्चंस कराऊंगी और ये सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स मैंने अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम से लिए हुए हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, अगर समझ में नहीं आएंगे इसको लाइक ज़रूर करिएगा और आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।